Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Project Tester. I hope you're doing well at your places. So guys, आज मैं review करूंगी रेने की Fab Five lipstick जो कि पैकेज मुझे जस्ट अभी रिसीव हुआ है. जस्ट मैंने अभी इसको ओपन ही किया है. सो ये एज यूजल ब्लैक पैकेजिंग में आ रहा है, ब्लैक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में. ओके, मैंने ये अमेजोन से लिया बट इसमें जो मेरे को आउटर पैकेजिंग रिसीव हुई है वो रेने की ही रिसीव हुई है. लिपस्टिक आ रही है एक ब्लैक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में. सो लेट्स सी, मेरा भी अभी पहले ही है, मैंने जस्ट वो ही ओपन किया है बॉक्स. ओके, सो ये है लिपस्टिक. आप जैसे देख सकते हैं कि ये अभी तक जो है मैंने इसका ट्रांसपेरेंट कवर भी नहीं उतारा, मतलब इसकी पैकेजिंग भी नहीं उतारी. तो ये इसकी पैकेजिंग मैंने उतार दी आपके सामने ही. तो इसमें है, लेट्स सी क्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है. ओके, इन्होंने मेंशन किया कि ये क्रीमी फिनिश है. 750 का ओरिजिनल प्राइस है बट मुझे ये सेल पे मिली है तो मुझे ये 600 की पड़ी है. और सॉफ्ट एंड स्मूथ एप्लीकेशन, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, पैराबिन फ्री है विच इज वेरी वेरी नाइस थिंग. मॉइस्चराइजिंग है, एनरिच विद जोजोबा ऑयल, दैट्स ऑल्सो प्लस पॉइंट. और इसकी नेट क्वांटिटी है 7.5 ग्राम और 1.5 ग्राम ईच ये है. सो डायरेक्शंस वही हैं कि ओपन द कैप, जेंटली स्वाइप अप द शेड एंड केयरफुली रिमूव द शेड, इंसर्ट, पुश एंड पॉप. इसका टैगलाइन है पुश पॉप एंड प्ले. लेट्स ओपन दिस. इसकी ये ऐसे पैकेजिंग में आ रही है. लेट्स ओपन दिस रेने 5. ओके ओके, दैट्स ये है लिपस्टिक बाय रेने. ओके, ये आपको भी याद करवाती होगी अगर आप मतलब 90s किड हैं या 80s किड हैं तो भी आपको याद करवाती होगी कि वो पेंसिल आती थी जिसमें आप पीछे से मतलब उसके जो भी लिड्स थे वो निकालते थे और पीछे से इंसर्ट करते थे, आगे से निकालते थे लिड्स, पीछे से डालते थे. पुश पॉप एंड प्ले इनका टैगलाइन है. जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ये स्टैक की प्रॉपर्टी है. सॉरी फॉर इंक्लूडिंग थोड़ा सा एजुकेशन इन इट. एज यूजुअल आपके सामने ही मैं इसकी ओपनिंग कर रही हूँ. पैकेजिंग, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग उतार दी और लेट्स सी क्या है मेरा फर्स्ट व्यू आपके सामने. ओके, सो जो फर्स्ट शेड है वो मतलब कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सा शेड है, जस्ट शेड ही है. आप इसको कैसे ओपन करेंगे लेट्स सी, आपके सामने ही किया जा रहा. ओके, इसको हम यहां से पॉप करेंगे, देन यहां से पुश. ओके, और यहां से ये ऊपर आ जाएगी. ओके नाइस, 750 के हिसाब से तो अभी मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रही है. लेट्स मूव टू द स्वॉचेस. और अगर आप ये स्टार्टिंग का नहीं देख सकते तो मैंने टाइम स्टैम्प जो है वो मेंशन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो. पहले मैं इसके हैंड स्वॉचेस दूंगी, फिर मैं लिप्स स्वॉचेस दूंगी. अभी मैंने अपने लिप्स पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ सिवाय लिप बाम के जो है ब्लू हेवन का. सो पहले हैंड स्वॉचेस. पहला शेड जो आ रहा है वो ये है, क्योंकि सिंस नाम मेंशन नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही करके दिखाती हूँ. ये पहला शेड है नंबर वन. इसके बाद मैं आपको लिप स्वॉचेस भी दूंगी, पहले हैंड स्वॉचेस. ओके, नंबर वन आपने देख लिया. नंबर टू एक थोड़ा सा जो है बर्गंडी कलर है, रेडिश में आ रहा है. ये थोड़ा पिंक टोन में आ रहा है, ये थोड़ा रेड टोन में आ रहा है. होप आपको विजिबल हो. ये थोड़ा पिंक टोन में, ये थोड़ा रेड टोन में है. नाउ थर्ड कलर इज, और मैं आपको ये लिप स्वॉचेस भी दूंगी अगर आप थोड़े से मेरे से रिजेंबल करते हैं कलर टोन में. तो ये थोड़ा सा ब्रिक रेड टाइप आ गया, ये आ गया रेड, ये थोड़ा पिंक टोन, ये थोड़ा रेड, और ये थोड़ा सा ब्रिक रेड में आ गया. एंड द नेक्स्ट कलर इज 3, दिस इज माय 4 शेड, दिस इज ऑल्सो रेड कलर. ओके, मुझे ना ये लग रहा है कि जैसे इंडियन टोन्स में ये बहुत फेमिलियर कलर है. ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल कलर, ये एग्जैक्ट रेड कलर है. एंड द नेक्स्ट वॉच इज, ओके, मुझे ना ये बहुत ज्यादा अच्छी इसलिए लगे कि जैसे कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनका बजट बहुत कम रहता है, तो आप मतलब 350 की 3 लिपस्टिक लेने से अच्छा, या कोई भी महंगी ब्रांड की 1 लिपस्टिक लेने से अच्छा आप ये ले लो, ये ले लो. इसमें आपको 5 लिपस्टिक मिल जाएंगी, इजी टू कैरी है, आप कॉलेज जाके ले सकते हो, ट्रेवल फ्रेंडली है. 5 लिपस्टिक ली और एक में यू आर सॉर्टेड. सो नेक्स्ट लास्ट शेड इज, ये भी थोड़ा पिंक है, लाइट पिंक में आ गया.
सो दीज आर द शेड्स, ये थोड़ा सा डार्क पिंक में आ गया, देन थोड़ा सा रिजेंबल रेड, ये एग्जैक्ट रेड, और ये थोड़ा मरूनिश रेड, और ये भी थोड़ा पिंकिश टोन में है. तो ये डार्कर टोन्स में है. मैं इसको कह सकती हूँ कि ये रेड अंडरटोन को ज्यादा फॉलो कर रहा है, कि रेड टोन्स या रेड फैमिली को ज्यादा फॉलो कर रहा है. तो मेरे को लग रहा है कि अगर आप कॉलेज में लगा के जा रहे हैं तो आपको इसको ज्यादा नहीं लगाना चाहिए एज कम्पेयर लाइट कलर्स. एंड अगर आप कोई फैमिली फंक्शन वगैरह में, दिस इज मेड फॉर यू. आप सारे टोन्स लगा सकते हो एक अलग अलग फंक्शंस में. सो दिस इज माई हैंड स्वॉच. आई होप ये आपको स्वॉचेस सारे विजिबल हो. नाउ नाउ मैं आपको लिप स्वॉचेस दे देती हूँ. थैंक यू. नाउ मूव टू लिप स्वॉचेस. और गाइज जो कि डायरेक्ट लिप स्वॉचेस पे आ रहे हैं, सो दिस इज लिपस्टिक बाय रेने फैब फाइव. नाउ द लिप स्वॉचेस. सो फर्स्ट वॉच, सो द फर्स्ट टर्न इज so this is the first tone. I hope आपको मेरे lips पे visible हो. so that was my first tone. now second tone for the lip swatches is, और थोड़ा सा ना आप delicately इसको handle करें, मैं डर रही हूं basically कि कहीं टूट ना जाए. so second is second tone is this. so this is the third shade. so this is the fourth shade which I am applying. so this is the fourth shade. sorry for the noise. मेरे घर के पास में शादी है और मेरा घर जो है मेन रोड पे ही है, तो आपको आवाजें आती रहेंगी. so this is the fourth shade. so this is the last shade. so this is the last shade which is lighter. okay let me do it again. I feel it is little bit light. so this is the fifth shade. this is bit lighter than other shades. this is fifth shade. okay guys let's do a transfer test ki ye transfer hoti hai ki nahi. to ye transfer hoti hai. so aap thoda dhyan rakhein jab isko lagaye aur jab glass koi pakde koi shaadi wagaira mein. so it transfers. aur in totality jo mera review rahega ki mujhe ye lipsticks achhi lagi. oh my god yahan lipstick lagi. so mujhe ye lipsticks achhi lagi but ये ट्रांसफर करती हैं, तो मेरे को ट्रांसफर करने वाली लिपस्टिक इन पर्सनल बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती हैं. मतलब कुछ खास सा मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. सो जो ट्रांसफर नहीं करती हैं आई थिंक एवरीवन लाइक्स हैं. तो एक डिसएडवांटेज है कि ये ट्रांसफर करती हैं बिकॉज क्रीमी मैट है. क्रीमी है नॉट क्रीमी मैट, इट्स क्रीमी. सो ट्रांसफर तो करेगी. और अगर आपको ओके है कि आपकी लिपस्टिक ट्रांसफर करती है तो दिस इज दिस इज योअर लिपस्टिक. ये आपके लिए ही बनी है. फाइव लिपस्टिक इन वन स्टिक एंड दिस इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेड्स.
मोस्टली रेड टोन्स लिए हैं, मोस्टली वो टोन्स लिए गए हैं जो इंडियन स्किन टोन को बहुत ज्यादा सूट करते हैं। अगर आपका कलर मेरे जैसा है या मेरे से आप एक टोन ऊपर या नीचे हैं तो भी आपके साथ ये जाएगी। सो अगर तो बिल्कुल मेरे टोन में है तो एग्जैक्टली वैसे ही लगेगी लिपस्टिक जैसे मेरे लिप्स पे लग रही है। आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया हो। गाइज आप वीडियो देखते हो बट आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते, सो आई होप आप सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अपना प्यार देते रहें, फीडबैक देते रहें कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगता है जब आप फीडबैक देते हैं, आपकी फीडबैक पर मैं काम करती हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज प्रोजेक्ट टेस्टर। थैंक यू।